नमस्कार, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहित खान। प्रो कबड्डी सीजन 8 में एक महीने के मैच खत्म हो चुके हैं और आज 32वें दिन के मुकाबले खेले जाएंगे। 32वें दिन प्रो कबड्डी के फैंस को ट्रिपल हेडर मुकाबले देखने को मिलेंगे, यानी आज प्रो कबड्डी सीजन 8 में 5वें हफ्ते के ट्रिपल हेडर मुकाबले खेले जाएंगे और एक से बढ़कर एक तीन मुकाबले सभी को देखने को मिलेंगे। ट्रिपल हेडर की शुरुआत होगी इस सीजन में शानदार खेल दिखा रही पटना पायरेट्स की टीम और पुनेरी पल्टन के मुकाबले से। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। ये मुकाबला पुनेरी पल्टन के लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि सामने पटना की टीम है जिसको इस सीजन में रोकना सभी टीमों के लिए चुनौती बना हुआ है। पटना ने इस सीजन में अभी तक 11 मुकाबले खेले हैं और इन 11 मुकाबलों में से पटना पायरेट्स की टीम को 7 मुकाबलों में जीत मिली है। वहीं 3 मुकाबलों में टीम को हार का सामना भी करना पड़ा है और एक मुकाबला पटना पायरेट्स का इस सीजन में अभी तक टाई भी रहा है और टॉप 3 में लगातार पटना की टीम बनी हुई है। तो दूसरी ओर पुनेरी पल्टन की टीम है जो इस सीजन में अपनी लय को बरकरार नहीं रख सकी है। एक मुकाबले में अच्छा खेलती है तो अगले मुकाबले में ही टीम का खेल बिगड़ जाता है। पुनेरी पल्टन ने भी इस सीजन में अभी तक 11 मुकाबले खेले हैं और सिर्फ 4 मुकाबले ही जीतने में कामयाब हुई है। बाकी 7 मुकाबलों में पुनेरी पल्टन की टीम को अभी तक हार का सामना करना पड़ा है। इस सीजन में दोनों टीमों के बीच ये दूसरी भिड़ंत होगी। इससे पहले जब ये दोनों टीमें आपस में टकराई थी तो उस मुकाबले में भी पुनेरी पल्टन की टीम को हार का सामना करना पड़ा था और पटना ने उस मुकाबले को 12 पॉइंट से अपने नाम किया था। ऐसे में पुनेरी पल्टन को इस हार का बदला लेना है तो इस सीजन की सबसे बेस्ट फॉर्म इस मुकाबले में दिखानी होगी, वरना पटना की ले को रोक पाना पुनेरी पल्टन के लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है। और पटना की टीम चाहेगी कि अपनी ले को बरकरार रखे और जो टॉप 3 में बने रहने का दबदबा है उसको हासिल करे, क्योंकि पटना अगर ये मुकाबला जीतती है तो दूसरे नंबर पर जाने की दावेदार भी बन जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया के साथ।